नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं dlllntop.com। 17 जुलाई को ICJ ने कुलभूषण जाधव के केस में फैसला सुनाया। इस फैसले को भारत और पाकिस्तान दोनों अपनी अपनी जीत बता रहे हैं। भारत क्यों खुद को जीता बता रहा है, इसकी मोटा माटी ये बड़ी वजहें हैं। पहली, जाधव की फांसी पर फिलहाल रोक लग गई है। दूसरी, जाधव को भारतीय हाई कमीशन के अधिकारियों से मिलने की छूट मिल गई है। तीसरी, ICJ ने माना है कि पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन की आर्टिकल 36 का उल्लंघन किया है। चौथी, ICJ ने कहा है कि पाकिस्तान ने जाधव को उनके कानूनी अधिकार नहीं दिए। पांचवी, सुनवाई के दौरान ICJ ने पाकिस्तान को निर्देश दिया कि वो आखिरी फैसले से पहले जाधव को फांसी ना दे। भारत जो अपील लेकर ICJ पहुंचा था, उसके सबसे बड़े पॉइंट्स यही थे। जब ये बातें भारत के पक्ष में गईं, तो फिर पाकिस्तान कैसे खुद को जीता बता रहा है, हम बताते हैं आपको। पहली बात, पाकिस्तान से कहा गया है कि वो जाधव को दी गई सजा की दोबारा समीक्षा करे, पुनर्विचार करे। पुनर्विचार के लिए कहना मतलब गेंद का पाकिस्तान के पाले में होना, मतलब पाकिस्तान बाध्य नहीं है सजा बदलने के लिए। ICJ ने कहा है कि पाकिस्तान को वियना कन्वेंशन का पालन करते हुए जाधव को फेयर ट्रायल मुहैया कराना है, मगर ये पाकिस्तान कैसे करेगा, इसका फैसला चॉइस ऑफ मींस पाकिस्तान पर ही छोड़ दिया गया है। हाँ, ICJ ने पाकिस्तान से ये जरूर कहा कि जाधव का केस ठीक तरीके से रिव्यू हो, इसके लिए इस्लामाबाद को हर जरूरी कदम उठाने होंगे। दूसरी बात, मिलिट्री कोर्ट की जगह सिविलियन कोर्ट में केस ले जाने की भारत की अपील पर भारत का कहना था कि पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट में इस मामले की निष्पक्ष सुनवाई मुमकिन नहीं है, वहाँ पारदर्शिता नहीं है, ना ही वहाँ भारी वकीलों को दलील पेश करने की इजाज़त है। भारत चाहता है कि जाधव का केस सिविलियन कोर्ट में चलाया जाए और जाधव को वहाँ वकील की सुविधा मुहैया कराई जा सके। भारत ने अपनी दलील के समर्थन में 26/11 आतंकी हमलों के दोषी अजमल कसाब का उदाहरण दिया। कसाब को स्वतंत्र वकील मुहैया कराया गया था ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को कसाब का पक्ष रखने का जिम्मा दिया गया था। कसाब के ऊपर आतंकवाद से जुड़े कानूनों के अंतर्गत समान अदालतों में ही केस चलाया गया। भारत का कहना था कि उसके यहाँ सिविलियन से जुड़े मामलों में मिलिट्री कोर्ट का कोई लेना देना नहीं होता, ना ही सिविलियन से जुड़े मामले आर्मी कोर्ट्स के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ऐसे ही जाधव का केस सामान्य क्रिमिनल कोर्ट में चलाया जाए। उधर पाकिस्तान का तर्क था, चूंकि जाधव का मामला आतंकवाद से जुड़ा है, इसलिए इसे कानूनन मिलिट्री अदालत में ही चलाया जा सकता है। पाकिस्तान ने पेशावर में एक स्कूल पर हुए तालिबानी हमले के बाद 2015 में अपने संविधान के अंदर एक संशोधन करके ये कानून बनाया था। नेशनल एक्शन प्लान NAP के तहत मिलिट्री कोर्ट्स का गठन हुआ। इनके पास अधिकार था कि आतंकवाद के आरोपों में ये सिविलियंस के ऊपर इन मिलिट्री कोर्ट्स में केस चला सकें। इस मामले में ICJ की तरफ से भारत को कोई राहत नहीं मिली है, इसे पाकिस्तान अपनी बड़ी जीत बता रहा है। तीसरी बात, जाधव को बरी करना, रिहा करना और भारत को वापस लौटाना भारत की मांग थी कि पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को उन पर लगाए गए आरोपों से बरी करे, साथ ही उन्हें रिहा करके वापस भारत के सुपुर्द कर दिया जाए। ICJ में भारत की यह मांग पूरी नहीं हो पाई है। पाकिस्तानी सरकार और मीडिया इसे भारत की किरकिरी बता रहे हैं। उनका कहना है कि भारत हारा है। वैसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में बहुत जगहों पर इसे भारत के एंगल से ही रिपोर्ट किया गया है, यानी भारत के पक्ष में। कुछ उदाहरण भी देख लीजिए। वैसे देखा जाए तो ICJ के फैसले में किसी एक पक्ष को एक तरफा जीत नहीं मिली है, दोनों के लिए कुछ कुछ है। फैसले का सबसे जरूरी पॉइंट बेशक ये है कि पाकिस्तान को फेयर ट्रायल ना मुहैया कराने का दोषी पाया गया और फिलहाल जाधव को फांसी नहीं दी जा सकेगी। भारत इसे फौरी जीत मान सकता है, मगर लड़ाई अभी लंबी है। जाधव के मामले में अब तक के सभी अपडेट हमने आप तक पहुंचाए, आगे कुछ होगा तो वो भी आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए dlllntop.com। बाकी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमारी ऐप प्ले स्टोर पर है, उसे डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर डाउनलोड कीजिए। शुक्रिया।